लोकसभा चुनावों को लेकर तेज हुई सरगर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ बीजेपी नीत केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं। टीएमसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग की थी, जिसके बाद टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। धरना दे रहे टीएमसी नेताओं ने अपने हाथ में तख्तियां थामी हुई थी, जिन पर लिखा था एनआईए के महानिदेशक, ईडी और सीबीआई के महानिदेशकों को तुरंत बदला जाए। मंगलवार सुबह टीएमसी नेता दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया था और थाने लेकर गए थे। हालांकि टीएमसी नेता वहां भी धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने पूरी रात थाने में गुजारी और आज सुबह फिर से मोर्चा खोल दिया। धरना देने वाले टीएमसी नेताओं में डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विधायक विवेक गुप्ता, पूर्व सांसद अर्पिता घोष, शांतनु सेन और अबीर रंजन विश्वास और पार्टी के पश्चिम बंगाल छात्र विंग के उपाध्यक्ष सुदीप शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हिरासत में लिए गए सभी टीएमसी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। हालांकि टीएमसी नेताओं ने कहा है कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। टीएमसी नेताओं ने सोमवार को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और एनआईए मिलकर काम कर रही हैं और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही हैं। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वो बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। Peace around a peaceful protest and see what your police are doing. But all this, hum log dagta nahi. Because we come from the Trinamool Congress. Mamta ji has gone on a 26-day hunger strike for the sake of farmers. So these protests, etc., are no problem. But eventually we will fight you because we are fighting for democracy. We are fighting for the rights of the... आज सुबह आप नेता सौरव भारद्वाज धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं के समर्थन में मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, सभी एजेंसियों और सरकारी कामकाज को तटस्थ चुनाव आयोग के तहत आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर ईडी और एनआईए की छापेमारी चल रही है, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को चुप कराना चाहती है। पार्टी के जितने नेता हैं उनके यहाँ कभी सीबीआई छापा मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापा मार रही है, कभी ईडी छापा मार रही है, अब एनआईए पहुंच गई है सिर्फ अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्यों भाई? साफ है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आने वाली ये संस्थाएं, जो आज के दिन उनके अधीन होनी चाहिए, उनको खुली छूट दी गई है कि अपोजिशन पार्टियों की पूरी इलेक्शन कैंपेन को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, डिरेल कर दो। गौरतलब है कि टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन तब हो रहा है जब हाल ही में पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। बता दें कि बीते हफ्ते एनआईए की टीम भूपति नगर में साल 2022 में हुए बम धमाके के मामले में छापेमारी करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान जब एनआईए की टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लौट रही थी, तो स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम पर पथराव किया था, जिसमें एनआईए की गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई अधिकारी घायल हुए थे। अब देखना ये है कि जांच एजेंसियों पर चल रही ये सियासत कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।